मंत्री मंत्री नीचे उतर जाइए। शहर काजी साहब सहित आप सभी भाइयों को ईद के पर्व की बधाई देती हूँ और सभी भाइयों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि कुरान बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए उसके अनुवाद को समझना, कुरान के भीतर इंसानियत के लिए, राष्ट्रीयता के लिए जो बातें लिखी हो उन्हें अपने कार्य आचरण और व्यवहार में उतारना। भाइयों बहनों, आज पूरे देश के सामने चाइना जैसी चुनौती खड़ी हुई है। मैं अपने सब भाइयों से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी तो आप और हम सुरक्षित होंगे, हमारा देश सुरक्षित होगा। यदि देश सुरक्षित नहीं तो हम में से कोई भी सुरक्षित रहने का दावा नहीं कर सकता। काजी साहब की उपस्थिति में मैं आप सब भाइयों से आग्रह करती हूँ कि सब अपना दाहिना हाथ आगे उठाएं और ये प्रण करें कि हे माँ भारती, बोलिए हे माँ भारती, हम शपथ लेते हैं कि देश का सैनिक सीमा पर से चीनियों को खदेड़ेगा, देश के भीतर हम एक भी पैसे का चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे, अपनी देशभक्ति का परिचय देंगे। भाई बहनों, आप जानते हैं चाइना हर वर्ष 7,349 अरब रुपए हमारे देश से लेकर जाता है और हमी को आके दिखाता है, राष्ट्र रक्षा का प्रण करे, यही प्रार्थना है। बोलिए तो भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बीच से रही है, तहे दिल से मुबारकबाद दे रही है हमारे बीच। माशा माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह मेरे बेटा।